Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Imran's Virtual Academy. आप सबको पता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से कल लेक्चरर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चरर के टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम प्लीज टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स व्हिच विल असिस्ट यू इन अटेम्प्टिंग द पेपर एंड मार्किंग योर सक्सेस एज वेल. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड and this will prove very much helpful for all of you. So make sure that you have subscribed this channel and press the bell icon. So we're going to start with the one psychological solution. Ke student ke dimag ke andar jab bhi koi issue aata hai ya koi pareshani aati hai, misal ke taur par kuch students ke andar ye pareshani hai ki kal paper hai to kya hoga, paper ke andar kya hoga, to ye Kedlin's law hai. जब भी आप किसी प्रॉब्लम को, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हो तो उसको इमेजिनरी प्रैक्टिकली तो नहीं लेकिन आप अपने दिमाग के अंदर उसको डिफीट कर सकते हो. देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ डिक्लाइनिंग द इम्पैक्ट और द इफेक्ट ऑफ योर प्रॉब्लम. अब ये क्या, आप कैसे ये कर सकते हैं, आप पेन उठाएँ और पेज उठाएँ और जो भी आपके साथ सूरत हाल है और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज इट लुक्स लाइक, the way it has, it is treating you, the way it is appears before you, just write everything about that problem. misal ke taur pe aapka problem ye hai ki kal aapka paper hone wala hai, aapki preparation 50% ya 60% ya 70% hai and you are afraid of that, lekin usko aap likhe, mujhe ye yakeen se yakeen hai, mujhe I am certain that those students who are normally usually afraid of the exams have prepared very well but naturally they are taken in fear. तो आपने ये सारी सिचुएशन आपने पेन से आपने उस किसी कॉपी पे लिखनी है कि आई एम गोइंग थ्रू दिस जो है वो डायलमा के थ्रू ये मैं पास हो रहा हूँ कि मेरी तैयारी भी है लेकिन मुझे फियर है. तो आई होप कि वो जो एक साइकोलॉजिकल आपकी ट्रीटमेंट क्योर हो जाएगी और आप कंपेरेटिवली रिलैक्स फील करेंगे. दूसरा मर्फी लॉ है. मर्फी लॉ ये कहता है कि इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, ठीक है, द मोर इट इज़ लाइकली टू हैपन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अफ्रेड ऑफ डेथ, सर्टनली इट विल कम वन डे. इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल इन द एग्जाम. द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी फेल्यूर और एनी सेटबैक that you envisage that is likely to happen in near future or maybe tomorrow you will be disappointed. Don't think about that. Be positive, be vigilant and be focused on your test. ठीक है, तो ये जो है आप किसी चीज़ से डरे नहीं. फियर जो है इज बेसिकली किलर इट सेल्फ. तो फियर जो है आपकी इट कलमिनेट्स इन फेल्यूर इन बेसिकली द डिक्लाइनिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस फॉर द पेपर. ठीक है, तो ये तीन बातें होंगी और हम आगे चलते हैं. देखो जब भी लेक्चरर का पेपर आता है एमसीक्यूज फॉर्म में होता है, आपको पता है इट इज़ वन पेपर एमसीक्यूज पेपर. ठीक है, एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज होती हैं, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके अंदर मैक्सिमम मेरिट 70 स्कोर तक चली जाती है. तो एक होते हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई जो है हम ये पूछता है कि कोई सवाल पूछ रहा है कि ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी है या ट्रेजेडी है. तो ऑब्वियसली ये कॉमेडी है और ये ऑप्शन में ट्रेजेडी दे सकता है या ट्रेजिक कॉमेडी दे सकता है, ट्रेजिक कॉमेडी भी हो सकती है ये. तो ये सीधा सीधा मतलब ऑप्शंस जो है ये डिफरेंट दे रहा है, इसको हम एमसीक्यूज कहते हैं. और कुछ होते हैं बीसीक्यूज यानी बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस. बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको वो चार तो ऑप्शन देगा लेकिन ऑल दोज आंसर्स विल बी क्लोजली रिलेटेड एंड यू हैव टू चूज द वन दैट इज द मोस्ट सिमिलर एंड द मोस्ट रिलेवेंट एंड द मोस्ट जो है वो पॉसिबल जो आंसर है वो आपने उसको चूज करना है. तो इसमें मिसाल के तौर पर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर. इसमें ऑप्शन आपको देगा कि किंग लियर है, हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है. अगर हमें पता है कि दीज फोर आर द ग्रेटेस्ट एंड द वाइडली रेड एंड स्टेज्ड ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, तो अभी ये बीसीक्यूज का क्वेश्चन है तो इसके अंदर आपने चूज करना है, यू हैव टू गो फॉर हैमलेट इंस्टेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस. ठीक है, तो हैमलेट वुड बी करेक्ट बिकॉज हैमलेट इज द मोस्ट रेड ट्रेजेडी, द मोस्ट फेमस, द मोस्ट डिस्कस्ड एंड डिस्कोर्स्ड
इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये होता है BCQs, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि जैसे कि कल आपका पेपर है, आप एक काम करें, जो भी आपने पढ़ा है या एक रजिस्टर पे नोट्स आपके नोट्स लिखे हुए हैं उसको एक मरतबा रिवाइज करें, एक मरतबा रिवाइज करें, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा उसको रिवाइज कर लें, देन फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट दैट, अबाउट द पेपर, फॉरगेट, भूल जाएंगे आपका कल के पेपर है। फिर सुबह जाके रिलैक्स माइंड से होकर पेपर में बैठे, वो सारी चीज़ें आपकी आंखों की तरह, एक समंदर की तरह आपकी आंखों के सामने फ्लोट करती नजर आएंगी, और कोई भी चीज़ आप नहीं भूलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। रिवाइज वंस टुडे एंड फॉरगेट एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी जो पेपर टेक्निक्स के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि बाजू का स्टूडेंट्स जो है ऑप्शंस को जो है ना रॉन्गली करेक्ट करते हैं या इनसर्कल करते हैं। आपने ये देखना है कि इनसर्कल है या टिक करना होता है, तो नॉर्मली इनसर्कल ही करना होता है, तो आपने उस करेक्ट और करेक्ट आंसर को इनसर्कल करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू ओवर राइट, यू हैव टू डोंट हैव टू लेव द हाफ पार्ट ऑफ द होल अनमार्क्ड, तो आपने कम्प्लीटली उसको इनसर्कल करना है, ठीक है। और जो ऑप्शंस होते हैं, और जो आपका क्वेश्चनायर आंसर कॉपी होती है, जो आपकी आंसर बुकलेट होती है, उसको भी आपने करेक्टली फिल करना है, अपना रोल नंबर और अपना NIC, अपना नेम, सो दैट इन फ्यूचर कोई इशू आपके लिए ना बने, ठीक है। ये 2 मिनट्स की कंसिडरेशन और केयर होती है, विच सेव्स योर पॉसिबल एडवर्सिटी इन द फ्यूचर, क्योंकि स्टूडेंट्स तकरीबन 5% मेरे ख्याल में रॉन्ग फॉर्म फिलिंग की वजह से वो इस कॉम्पिटिशन से आउट हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इज नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड इन वन पेपर ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। सो कोई भी लेक्चर की टेस्ट हो, इंग्लिश की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हैं जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि आपने करना क्या है, अभी आज के दिन आप रिवाइज करें जो चीज़ें आपने पढ़ी और फॉरगेट और भूल जाए, फिर अपने काम काज में वो काम करें जो आपको रिलैक्स रखें, ठीक है। बस नेक्स्ट में जैसे दुआ करें, जैसे सब कुछ आपके हाथ में हो, और जैसे सब कुछ अल्लाह के हाथ में हो, और मेहनत ऐसे करें जैसे सब कुछ आपके हाथ में हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।